और सर क्या करवा दिया आपने चाइना में, क्या हंगामा मचा हुआ है, क्या प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या फिर ये सब कुछ आपने क्या करवा दिया है? आरजू जी, हुआ क्या आज चाइना की इकोनॉमी बद से बदतर हो रही है। इकोनॉमिक आउटलुक चाइना में 2.3 से भी कम आ गया, डिफॉल्ट करते ही चाइना की कहानी ऑलमोस्ट खत्म। सुमित भाई, चाइना में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप शुरू से बातें कर रहे थे कि सारा चाइना लॉक किया हुआ है, आपकी बात ठीक निकली। पहली बात, इन्होंने लोगों को अंदर डाल दिया कोविड कोविड। पहली बात, अगर जीरो कोविड का मतलब है तो मतलब तुम्हारी वैक्सीन तो 100% फेल है। आपको याद है वुहान पूल पार्टी इन्होंने की थी, जब दुनिया पीक ऑफ एंड है, वुहान में पार्टियां मना रही, वो शैंपेन चल रही है, वो नहा रहे लोग पूलों में, दिखा रहे यहाँ तो कोविड है ही नहीं, हमने तो कोविड कैंसिल मतलब कॉन्कर कर दिया, डेमोक्रेसी से फेल्ड एंड वी हैव वन। हाँ सर, इम्प्रेशन तो यही आता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बड़ी कंट्री है, सारी दुनिया को जितनी छोटी कंट्रीज है उनको लोन देती है। तो ये जो चाइना ने गेम खेला है, ये उधार के पैसे पे दिवाली मनाने वाली बात है। लेकिन अगर इतनी बड़ी कंट्री के साथ ये होगा तो आपके ख्याल से उसका बाकी दुनिया पे क्या असर होगा? मैं आपको बता रहा हूँ, इफेक्ट पड़ने शुरू हो गया। देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्मॉलर कंट्रीज विल गो बैंकक्रप्ट। यूरोप में बहुत तबाही मचेगी, अमेरिका की इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी। अगर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा वो होंगे हम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तान के सबसे बड़े दोस्त चाइना के अंदर मचा हुआ हाहाकार, क्योंकि चाइना के सभी बड़े शहरों में ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो कि कभी सोचा नहीं जा सकता था चाइना के अंदर कभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि चाइना के अंदर ऑटोक्रेटिक यानी तानाशाह शासन है, जहाँ पे शासक के मर्जी के खिलाफ जाना मतलब मौत के मुंह में दावत देना, और ऐसे में जनता सड़कों पर आ रही है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाइना की स्थिति कितनी गंभीर है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो भी खबरें चाइना से निकल के आ रही हैं, वह चाइना सरकार के हजारों प्रतिबंध के बाद आ रही हैं, जिसका मतलब है कि सिचुएशन इससे काफी गंभीर हो सकती है चाइना के अंदर। क्योंकि यह बात जगजाहिर है कि चाइनीज सरकार के मर्जी के बिना चाइना के अंदर पत्ता भी नहीं खड़कता। लेकिन अब यह सब मामले सामने निकल के आ रहे हैं, तो जिससे साफ पता लगता है कि आखिर क्यों चाइना पाकिस्तान को या फिर श्रीलंका को बेल आउट नहीं किया, क्योंकि खुद चाइना अंदर से फंसा हुआ है इकोनॉमिकली। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो को। और सर क्या करवा दिया आपने चाइना में, क्या हंगामा मचा हुआ है, क्या प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या फिर ये सब कुछ आपने क्या करवा दिया है? हमने कुछ नहीं करवाया। आप बड़े टाइम से सर अनाउंस कर रहे थे, बड़े टाइम से आप कह रहे थे कि ऐसा होगा। हाँ ये है, आई कुड सी इट फ्यू इयर्स अर्लियर। आरजू जी, हुआ क्या आज चाइना की इकोनॉमी बद से बदतर हो रही है। तो आपको जल्दी आप उसके बारे में पता लगेगा। ओबीआर बीआरआई का जो 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लोन है, उसका डिफॉल्ट ऑलमोस्ट श्योर है। दिक्कत क्या है, 350 बिलियन डॉलर का सेमीकंडक्टर सेक्टर इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग बैंकरप्सी। बट डिक्लेयर इसलिए नहीं करा, अगर वो करेगा तो आपको 3 ट्रिलियन डॉलर का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, उसको भी बैंकरप्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जो आपका सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो है, सस्ते मोबाइल फोन, ये सारे खत्म। दैट मीन्स चाइनीज जो एक्सपोर्ट्स है, करीब 3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट बताते हैं, उसमें बहुत बड़ी सेन लग जाएगी। इकोनॉमिक आउटलुक चाइना में 2.3 से भी कम आ गया, डिफॉल्ट करते ही चाइना की कहानी ऑलमोस्ट खत्म। ऐसी परिस्थिति में लोगों को आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाहर आ गए, काम नहीं मिला तो हंगामा मचाएंगे। मैंने आपको बताया था, देखिए चाइना की इकोनॉमी टूटने वाली है, इसीलिए उसको बचाने के लिए ये सब नाटक, जीरो कोविड वगैरह का नाटक किया जा रहा है। अच्छा एक और बताऊं, जिसको कोविड होता है उसी को नहीं पता उसको कोविड हुआ है, और कह रहे तुम सब यहाँ रहो, यहाँ कोविड है। हालत ये है कि जिस बिल्डिंग में कोविड हो उसके बाहर वेल्डिंग कर देते हैं, वेल्डिंग करके दरवाजा बंद कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में कौन रहेगा वहां पे? आपसे मेरी लास्ट टाइम बात हुई, आपने तब बोला था सुमित जी आपकी सुने तो चाइना तो खत्म होने वाला, अब आप देखिए कितना हफ्ता भर हुआ होगा। हाँ सर, इम्प्रेशन तो यही आता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बड़ी कंट्री है, सारी दुनिया को जितनी छोटी कंट्रीज है उनको लोन देती है। तो ये जो चाइना ने गेम खेला है, ये उधार के पैसे पे दिवाली मनाने वाली बात है। आपने दुनिया भर का कर्जा लिया, उसे अपने बिल्डिंगें बना ली, और लोगों को लगा जो कॉमन आदमी जाता पहली बार, अरे भाई ये तो बहुत बड़े यार, ये तो बहुत शांत, क्या बिल्डिंग है, क्या सड़कें, क्या इतनी गाड़ियों की कतार है कि दूर दूर तक दिखाई देती, वो सब उधार का माल है। चाइना का लोन कहाँ से आता है? दो जगह से आता है, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, पेरिस स्टॉक एक्सचेंज है, और जो यूरोप के जितने भी पब्लिक बैंक्स हैं उनसे पैसा उठाया। लेकिन अगर इतनी बड़ी कंट्री के साथ ये होगा तो आपके ख्याल से उसका बाकी दुनिया पे क्या असर होगा? मैं आपको बता रहा हूँ, इफेक्ट पड़ने शुरू हो गए। आप देखिए चाइना का स्टॉक एक्सचेंज जिस दिन जी आया था, 100 बिलियन डॉलर उड़ गया चाइना में तो इफेक्ट दिख रहा है। अब इसके इम्पैक्ट आपको हर यूरोप के स्टॉक एक्सचेंजों में सबसे पहले दिखेंगे, फिर आपके अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजों में दिखेंगे।
और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर चाइना टूटेगा तो दुनिया में इंपैक्ट होगा, 100% होगा। देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्मॉलर कंट्रीज विल गो बैंकक्रप्ट। यूरोप में बहुत तबाही मचेगी, अमेरिका की इकोनॉमी इंपैक्ट होगी। अगर कोई इंपैक्ट नहीं होगा वो होंगे हम। हमारा केवल 60-70 बिलियन का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है। हम वो पैसे देके किसी से भी माल उठा सकते हैं। 60-70 बिलियन कुछ नहीं होते, यहाँ बात हो रही 45 ट्रिलियन की, विच इज 50% ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड। तो हम तो बड़े सेफ आरजू जी, सच बताओ आपको। सोमित भाई, चाइना में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप शुरू से बातें कर रहे थे कि सारा चाइना लॉक किया हुआ है। आपकी बात ठीक निकली, वो तो सड़कों पे मैं देख रहा था, बच्चे ही बच्चे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी है उसके खिलाफ। ये कहीं ये जो चाइनी शी जिनपिंग की जो थर्ड टर्म है ये उसकी मुखालफत में है। आपकी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इन प्रोटेस्ट की? क्या लोग वाकई तंग आ गए हैं? पहली बात, इन्होंने लोगों को अंदर डाल दिया, कोविड 100 करोड़ लोगों को अंदर डाल दिया। किसी को घर के अंदर नहीं जाने दे रहे, किसी को बाहर नहीं आने दे रहे। पहली बात, अगर जीरो कोविड का मतलब है तो मतलब तुम्हारी वैक्सीन तो 100% फेल है। दुनिया भर की वैक्सीन है, जिसने भी यहाँ से लगाई, सब काम कर रही, सब लोग चल रहे हैं दुनिया में, तो तुम मास्क भी हटा दिए एयरलाइनों में, वहां जीरो कोविड। आपको याद है वुहान पूल पार्टी इन्होंने की थी, जब दुनिया पीक ऑफ पेंडेमिक, वुहान में पार्टियां मना रही, वो शैंपेने चल रही है, वो नहा रहे लोग पूलों में, दिखा रहे यहाँ तो कोविड है ही नहीं, हमने तो कोविड कैंसिल मतलब कॉन्कर कर दिया, डेमोक्रेसी इज फेल्ड एंड वी हैव वन। उसके बाद चीमा साहब फिर कलाई खुलने लगी इकोनॉमी की, पावर नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब हमने बातें कर ली। आज परिस्थिति ये है, अगर वो कोविड पॉलिसी हटा देंगे जीरो कोविड, लोग काम पे जाएंगे, काम पे जाएंगे, काम है नहीं। फॉक्सकॉन में क्या हुआ, सबसे बड़ा कारखाना चाइना का, 2 लाख लोग और फ्लैगशिप, जिसको देख देख के आप बिजनेस बुलाते हो, एप्पल जैसे को आपने फंसा दिया है। अब वहां क्या हुआ, बोला है जी कोविड निकला, प्रोडक्शन रोक दी पहले आपने। एप्पल कह रहा था आधा इंडिया में बनाऊंगा आधा चाइना में बनाऊंगा, फिर कहता नहीं यार पूरा ये इंडिया में बनाना पड़ेगा क्योंकि चाइनीज सप्लाई चेन नॉट रिलायबल। आईफोन को अगर नाम सुनते साथ ही हमारे दिमाग में आता चाइना। चाइना इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर था कि दुनिया के अंदर दूसरी मिसाल नहीं मिलती, और सबसे बड़ा यूजर भी आईफोन का चाइना ही था। लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है चाइना के अंदर, सारी कंपनी बंद पड़ी है। तो क्या किया अभी स्टीव जॉब ने, सारी जो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो इंडिया शिफ्ट कर दी है। क्या समझते हैं आपको, इंडिया को अमेरिका सुपर पावर बनाना चाहता आने वाले टाइम के अंदर? असल में जो हमारा रीजन है ना, इसमें जहरी बात है अमेरिका खुद तो नहीं आ नहीं सकता, और वो चाइना को सुपर पावर देखना भी नहीं चाहता। तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो जहरी बात है मोबाइल और ये चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती हैं। अमेरिका भी यही चाहता है कि वो मार्केट है वो बड़े। इंडिया आने वाले वक्त में बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है, और चाइना के मुकाबले में अगर वो इकोनॉमी खड़ी होगी तो इंडिया को एक तो ग्राउंड्स मिल जाएंगे। तो इस वजह से वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी सपोर्ट की वजह से इंडिया आगे जाएगी। पाकिस्तान में जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है उनको सीखना चाहिए इस चीज़ से कि अगर वहाँ पे स्टेबिलिटी है, चाहे जिस तरह भी गवर्नमेंट चल रही है लेकिन स्टेबिलिटी है, यहाँ पे हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं।